नमस्कार, आरती न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं छापरा व्यवहार न्यायालय के वकील जो खेसारी लाल यादव के हैं, जो केस किए हैं मृत्युंजय पांडे। क्या मामला है वकील साहब? जी, खेसारी लाल यादव के विरुद्ध मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, ये सरासर गलत है। चूँकि रसूलपुर थाने, सारण जिला में एक रसूलपुर थाना है, जहाँ पर एक जमीनी विवाद को लेकर एक फरियाद दाखिल किया गया था मृत्युंजयनाथ पांडे और सहनी गांव के निवासी के द्वारा, जिसमें उनका बयान आया था कि खेसारी लाल यादव की पत्नी के द्वारा एक जमीन लिखवाई गई थी बैनामा के माध्यम से। उसमें कुछ पैसे वो दिए थे, कुछ पैसे वो चेक के माध्यम से दिए थे, कुछ रुपया जो रह गया था चेक के माध्यम से उनके द्वारा, पता नहीं किस कारण से वो रुपये के चेक के बारे में उन्होंने अकाउंट से पेमेंट के बारे में बैंक को एक आवेदन दिया था कि अब ये पेमेंट नहीं करना है। इस आधार पर वो चेक को बैंक के द्वारा एक सर्टिफिकेट दी गई, वही सर्टिफिकेट के आधार पर मृत्युंजयनाथ पांडे के द्वारा नोटिस भेजी गई थी, लीगल नोटिस। उस लीगल नोटिस में वो जवाब नहीं दिए नहीं दिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने वो लीगल नोटिस भेजा नहीं था। दूसरा, उन्होंने एक FIR दर्ज कराया उसी के केस के संबंध में, वो जिसके आधार पर रसूलपुर थाना के द्वारा 420, 406 और 138 NI एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया 406 IPC और 138 NI एक्ट के अंतर्गत, जिसमें वो लोग पुलिस थाने पर जमानत पर हैं। और जमानत पर होने के बाद कोर्ट में नोटिस गया, सर्विस किया गया कोर्ट के माध्यम से, लेकिन उनकी कोई मौजूदगी नहीं थी। सर्विस रिपोर्ट आकर लग गया, फिर कोर्ट में बिलेबुल वारंट गया, उसके बारे में भी कोई रिपोर्ट नहीं आई कोर्ट में। लेकिन कोर्ट ने संतुष्टि की, चूँकि बहुत पुराना मामला है, NI एक्ट जो है समन्स ट्रायल केस होता है, इसके लिए उन्होंने नॉन बिलेबुल वारंट, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हुई है। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं जानता हूँ। क्या आप केस लड़ रहे हैं, जानकारी नहीं? मैं बता दूँ सफाई के लिए, ये मुकदमा स्टेट का है और इसका स्टेट गवर्नमेंट के प्लीडर होते हैं, वो खुद लड़ते हैं मुकदमा। लेकिन चूंकि मेरे नज़र में ये मुकदमा है, इसलिए मैं जानता हूँ, मैंने पेपर भी पढ़ा था, दैनिक जागरण पेपर पढ़ा, जिसके आधार पर इस केस को मैंने बारे में जाना कि नॉन अवेलेबल वारंट हुआ है। वारंट निकल गया है कोर्ट, ऐसा मालूम हुआ, पेपर से मुझे मालूम हुआ है। मैंने ऑथेंटिक कोई पेपर नहीं देखा है, लेकिन पेपर में मैंने देखा, दिनांक 8/12/2021 के दैनिक जागरण में देखा कि नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है। खेसारी लाल कहीं ना कहीं भोजपुरी के आर्टिस्ट फैन फॉलोअर ज़्यादा हैं, कहीं उनका खुद फैन हूँ मैं, उनको खुद अपने छोटे भाई के रूप में देखता हूँ, मानता हूँ। लेकिन अभी तो मुझे मालूम नहीं कि किस आधार पर इस तरह से वो संलिप्त हो गए। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनकी छवि पर कोई खराबी नहीं हो, ऐसे होनहार आदमी का छवि खराब नहीं होता है, कीचड़ शरीर पर पड़ जाने से उसकी छवि खराब थोड़ी होती है। हाँ, उसका ट्रायल कोर्ट करेगा, कोर्ट पाएगा कि गलत हैं कि सही हैं। मैं तो एक अधिवक्ता के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि ये मुकदमा चूँकि न्यायालय में लंबित है, ये फैसला न्यायालय करेगा। छवि के जहाँ तक मामला है, कोई व्यक्ति का आरोप लगा देने से छवि खराब नहीं होती है। सारी लाल यादव आपसे बात करने की कोशिश? कभी नहीं, आज तक मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा, सिर्फ फिल्म में मैं देखा, आमने सामने कभी बात नहीं हुई है। मालूम नहीं कि आप आपके खिलाफ केस, ये वो तो जानते हैं कि चूंकि स्टेट का केस है, था ये जहाँ स्टेट संबंध हो जाता है वहाँ स्टेट का गवर्नमेंट होता है, मैं तो प्राइवेट प्लीडर हूँ। इस वक्त देखिए हमारे साथ, आपका क्या? मैं SK दुबे हूँ, एडवोकेट। SK दुबे जी के सफाई है कि खेसारी लाल यादव के खिलाफ जो मृत्युंजय पांडे हैं केस देख रहे हैं। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज लाइव, छपरा विहार।